अरे जनाब, दिल दे देंगे उधार में, कभी आइए ना हमरा बिहार में। हे नमस्ते, नेहा के ब्लॉग में आप सबन के स्वागत है। ओ जी गुड़ लगाता नहीं तो एक सेकेंड मम्मी, हाँ जी, तो हम कब बोले रहे गुड़ लगाता नहीं। वैसे तो हम ज़िंदगी में कभी गाली नहीं पकत है, बट इस ब्लॉग में हम एक वर्ड इस्तेमाल करी है, ओ बेरगा ही भाई, राम का सा हमका मीनिंग नहीं मालूम है, सो हमको माफ़ कर दिए। चलिए देखते हैं बिहार के ब्लॉग। बुद्ध, सीता, आर्यभट्ट, चाणक्य, रैदास, कबीरदास और मैं किन किन का नाम बताऊं जिन महान हस्तियों ने इस भूमि को पावक बनाया। ये है यहाँ का पटना साहिब, बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा, सरदार जी अर्थात सिख लोगों का पावन स्थल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। नेहा के ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हाँ जी, आज मैं जिस प्रदेश की यात्रा करवा रही हूँ आप सबको, उसका नाम है बिहार। जहाँ लड़कियाँ इंटर में टॉप कर जाती हैं, उस बिहार पे क्यों ना गर्व करें हम भारतवासी। थोड़ा गांव की सैर करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। रास्ता थोड़ा सा बीहड़ है, लेकिन है बड़ा ही मज़ेदार सा। धीरे धीरे चलते हैं ना आगे। अच्छा, इसके बाद मैं मिलवा रही हूँ बेगूसराय के लोगों से, जहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आएगा तो वो दे दनादन बरगाही भाई काली पकने में पीछे नहीं हटते। और पता नहीं इसका नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है। बिहार जो सीता की पावन भूमि है, जहाँ के लोग लिट्टी और चोखा बड़े चाव से खाते हैं, यहाँ का घर, यहाँ के गाँव, यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेंगे। और ये है पुराना सा स्थल, ये देख सकते हो आप मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर सा है। और रात में तो शहर ऐसे चमकता है कि पूछो ही मत। और यहाँ के हरे भरे खेत, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और देख सकते हो आप ये पक्षी, जो बिहार में आने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये लीजिए लिट्टी चोखा। और लड़कियाँ, ओ माय गॉड, इतनी फैशनेबल है वहाँ की। फाइव वैल्यूज़ जो इस शहर को एकदम से खास बनाती हैं। सरसों का खेत देख रहे हो आप, लड़की किसी का इंतज़ार करते हुए। और ये हरियाली, खूबसूरत सी लड़की, सरसों का हरा भरा खेत। और ये घर जो कि इतना ही सुंदर ढंग से पिक्चराइज किया गया है, और ये जिसमें अनाज रखते हैं, शाम का इतना सुंदर सा पिक्चर है। उत्तराखंड के लोग जिन्होंने अपने हाथों से रास्ते बनाए, यहाँ की सड़कें बहुत ही सुंदर सी दिखती है, कि क्योंकि दोनों ओर हरियाली और तालाब पोखरों से भरा रहता है, लेकिन बाढ़ के समय लोग लाचार हो जाते हैं। आप देख सकते हो बछड़े को। और जहाँ की बकरियाँ तो अपने पालक से भी मोटे हट्टे कट्ठे होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ और फिर छोटे छोटे रास्ते। जानवरों को बहुत ही प्यार से रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल खाना दिया जाता है। बोध गया,
बुद्ध भगवान का स्थल, खेतों के बीच में हरे भरे खेत घर, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्कूल यहाँ का या शायद हो सकता है ब्लॉक हो, गरीबों की बस्ती, मुझे बहुत प्रिय लगता है ऐसी जगह। मक्के का खेती देख सकते हो। राम पर विश्वास करने वाले हर ईंट पे राम लिखना चाहते हैं। माँ इंतज़ार करते हुए और बोरवेल से पानी निकलता हुआ, और ये है टोडी, शराब की जगह इसने ही ले रखी है। गेहूँ देख सकते हो, अरे बाप रे कितने सारे गेहूँ, और ये इतना प्यारा रास्ता है ना, आइएगा ज़रूर इस बिहार में आप लोग भी। चौपाल जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग बैठकर बातें करते हैं, मोस्टली यहाँ के लोगों की बातें ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं। और ये कितना क्रिएटिव चूल्हा है, ये टेंपल मुझे तो साउथ जैसे ही लग रहा है। ये लड़की ये बछड़े से प्यार करते हुए, गरीबों की अगेन बस्ती जो कि मुझे बहुत प्रिय है, फिर से मैं बता दूँ आप लोगों को। भोजन बड़ा ही सिंपल सा है, बड़े प्यार से खिलाएंगे, देख सकते हो पशु को कितने प्यार से रखते हैं। और ये खेतों के बीच में बना हुआ झोपड़ा, शाम का वक्त है, मनमोहक वातावरण, छठ करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए औरतें, नालंदा विश्वविद्यालय का की एक झलक। आम तो मत पूछो, यहाँ पे वैरायटीज ऑफ मैंगोज मिल जाएंगे आपको। छोटी छोटा सा पोखर है, रंभाती हुई गाय है, ये मुसलमान भाई साहब मुझ पता नहीं क्यों पीछे हट गई, ये शायद कैमरा को फेस नहीं करना चाहते होंगे। हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर, पॉलिटिशियंस लड़ाते हैं ना इनको, ये भाई जान ये लोग खुद नहीं लड़ते, मैं बता दूँ आप लोगों को एक सच्चाई ये भी है। ये है बिहार का एक छोटा सा प्यारा सा गांव, आप देख सकते हो चारों ओर हरियाली हरियाली, साफ़ सुथरे गांव और कचड़े नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। लोग हाँ थोड़ा लड़ लेते हैं, लेकिन अब नहीं लड़ते क्योंकि युवा वर्ग शहर की ओर माइग्रेट हो चुके हैं और गांव में रह गए हैं, तो बस औरतें और बुज़ुर्ग महिलाएँ और बुज़ुर्ग लोग जो कि हर फेस्टिवल्स में उनका बेसब्री से इंतज़ार करते। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।